हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि हर रोज की तरह 10:30 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो आज की सीरीज में आज से फिर से हम कोशिश करने वाले हैं बेहतर करंट अफेयर्स को कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। और करंट अफेयर्स में काफ़ी सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि कितना करंट अफेयर्स करें कि पेपर में काफ़ी रहेगा पढ़ना, या फिर काफ़ी सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मैम कितने करंट अफेयर्स को कवर करना इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, करंट अफेयर्स को कवर करने की कोई खास लिमिटेशंस नहीं होती है, पर आपके लिए जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप राइट टाइम पे कौन सा अप्रोच चूज कर सकते हैं ताकि कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं गलत ना हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट और राइट अप्रोच मैं यही कहूंगी कि डेली बेसिस पे अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस मेरे साथ करते हैं तो नो डाउट कि आप बहुत सारे करंट अफेयर्स जो आपके पेपर में आने वाले हैं या आ सकते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ विवेकानंद जी की भी बात कर लेंगे, जिन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारे नवयुवकों को और बाकी आवाम को भी संदेश दिया है कि आपके लिए आपका एम इम्पॉर्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कब शुरू करते हैं, कब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। फर्क बस इतने से पड़ता है कि आप जिस भी एम को लेकर फोकस्ड हैं उसको तब तक अचीव आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है, मोर ओवर 200 से ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं कवर करा चुकी हूँ। और अगर आपने वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए उसको, काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि पेपर 1 के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर मैं बात करूंगी अनअकैडमी के ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो सानिया फातिमा, और यहाँ पर लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी आपका बहुत बड़ा, जहाँ पर हम वास्ट एजुकेशन की बात करते हैं वहीं पे पेपर 1 पेपर 2 डेली बेसिस पे मैं ले रही हूँ। पेपर 1 के 2 सेक्शंस हमारे रोज चलते हैं, एक रात को 8 बजे, और आज आपको पढ़ाऊंगी SDG और MDG के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। और 10:30 तो डेली बेसिस पे क्लास होती ही है हमारी तो करंट अफेयर्स की, और 12 बजे पढ़ाऊंगी आपको पेपर 2 गुप्ता एम्पायर्स कवर करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट शार्प 12 नून ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर सोनिया सिंह UGC.NET_Academy आपको टेलीग्राम चैनल मेरा नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितनी भी यूट्यूब पे पढ़ाए गए सेशंस होते हैं आप उन सारे के सारे सेशंस को यहाँ पर कवर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ PDF। और आइकॉनिक प्लस हर बार की तरह इम्पोर्टेंट सेशन है आपका, क्योंकि यहाँ पर हम बेस्ट एजुकेशन की बात करते हैं। आइकॉनिक जहाँ पर एक पर्सनल गाइडेंस आपको देता है, जहाँ पर आप लंबे टाइम तक टीचर्स की गाइडेंस से बेहतर मार्क्स अडॉप्ट कर पाते हैं, वहीं प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर प्लानिंग, अनलिमिटेड एक्सेस और स्टडी प्लानिंग भी आपको दी जाती है। और इन दोनों सेशंस की सबसे अच्छी खास बात है कि डाउट सेशंस, अगर आपको लगता है कि पढ़ने के दौरान या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान कोई ऐसा डाउट है आपको जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अर्न अकेडमी के एजुकेटर्स हमेशा 24/7 अवेलेबल हैं आपके सारे डाउट्स को लेने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए भी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरा कोड है, इस कोड के साथ अगर आप अर्न अकेडमी का सब्सक्रिप्शन पैक अगर लेते हैं तो आपको इस सब्सक्राइब करने के बाद 10% का ऑफ दिया जाएगा। और हर बार की तरह मैंने ये इंश्योर किया है कि इस कोड के साथ आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस जो हैं वीडियो से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो 6 महीने से लेके 24 महीने और 3 महीने से लेके 24 महीने तक का कोर्स आप आइकॉनिक एज वेल एज प्लस में सब्सक्राइब कर पाएंगे विद द बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट डिलीवरी लेक्चर्स। और हर बार की तरह लाइव टेस्ट टेस्ट हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो प्लस के और आइकॉनिक को चूज करने के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आइकॉनिक और प्लस को चूज करना चाहते हैं। जहां पर आपको हमेशा से जब से भी आपकी चीजें स्टार्ट होंगी तब से आपको यहाँ पर बेहतर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है आपको तो उसका फीडबैक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ले सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। स्पेशल क्लास आपकी होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे नहीं करना है। और आज है शाम को 7 बजे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट शार्प 7 PM, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लासेस मिस मत कीजिए, आपके लिए काफी ऑथेंटिक चीजें आपको समझने और देखने को मिलेंगी।
और अपकमिंग सेशंस ये भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट आपके लिए तब हो जाते हैं क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दोनों यहाँ पर कवर करा रहे हैं, प्लस के बैचेस भी चल रहे हैं, स्पेशल का बैच तो चल ही रहा है। और इसके अलावा अगर मैं यूट्यूब की बात करती हूँ तो यूट्यूब पर भी डेली बेसिस पे 3 सेशंस हमारे रोज चलते हैं, तो आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए अवेलेबल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मेरा पीडीएफ के साथ साथ कमेंट बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड सेशन से अगर आप देखते हैं पेपर वन पेपर टू के लिए तो काफी है आपको ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए। लक्ष्य एंड टारगेट बैचेस ये भी दोनों चल रहे हैं, तो दोनों को आप सेफर साइड ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे अगर यहाँ पर बेहतर एक सीरियस स्टूडेंट्स की तरह तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी बैचेस आपके सामने अवेलेबल होंगे। सुगंधा वेरी गुड मॉर्निंग। और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था। तो आई होप कि स्क्रीन आपको काफी विजिबल होगी, वॉइस पूरी तरीके से ऑडिबल होगी, तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं सो दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। और यहाँ पर 196 क्वेश्चन आपके सामने है, रेस्ट ऑफ द 195 क्वेश्चंस की जो सीरीज करंट अफेयर्स में मैंने कवर कराई है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और सेफर साइड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अकेडमी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी, और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 की। जी सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो 196 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और जो आपसे ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है ये आपको बतानी है। और ये काफी रैंडम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, पर अच्छी बात ये है कि एनटीए ने इस शिफ्ट में ये 2 से 3 सवाल बैक टू बैक पूछे हैं मॉडिफाइड करके, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। डेफिनेशन जो है काफी हद तक आपको ध्यान में रखनी है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है आईटी के बारे में, ध्यान रखिए आईसीटी के बारे में नहीं पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आईटी और आईसीटी के बीच में। तो क्वेश्चन को आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, पहला जो आपके सामने पॉइंट है वन, ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो आईटी है आपका ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है जो इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाता है, वही आईटी यहाँ पर रेफर करता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके इंफॉर्मेशन को, वहीं आईटी यहाँ पर रेफर करता है आपके प्रिंसिपल्स को, फिजिकल साइंस जो सोशल साइंसेस होते हैं, और आईटी यहाँ पर रेफर करता है आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपका स्टोरेज रिट्रीवल क्या है, प्रोसेसिंग किस तरह के है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, और बहुत तरीके से ये जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो आईटी के बारे में एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। ओके, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। वन का सी आ रहा है कई लोगों का, तो आप देख पाएंगे जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये काफी हद तक आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा, जो ऑप्शन नंबर हम 4 की यहाँ पर बात कर रहे थे। इट्स नॉट सी, ऑप्शन नंबर सॉरी, ये जो है आपका 4 सिर्फ सही है, क्योंकि आईटी जो है अपने आप में काफी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। और आईटी ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये हार्डवेयर है, ऊपर से सॉफ्टवेयर की स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पर आपके रिट्रीवल को, आपके प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को और इंफॉर्मेशन को एक लॉन्ग टर्म में ये आपको बताता भी है और साथ में इसको शेयर भी करता है। और आप देख भी पाएंगे कि कंपोनेंट्स आईसीटी के बहुत सारे हैं, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर है, टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, डेटास हैं, इंटरनेट एक्सेस है आपका, और कंप्यूटर्स में बाकी जो सॉफ्टवेयर जिसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं आपसे आईसीटी और अगर आईटी के बीच में डिफरेंसिएशन पूछा जाए, बिकॉज ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 18 में, 19 में, और 20 में आपसे सिर्फ आईसीटी की डेफिनेशन पूछी गई सी गई थी। तो आईटी का मतलब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर रिट्रीव करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, ट्रांसमिट करता है डेटा को, पर आईटी वहीं पर इन सारे के सारे डेटास को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ पहुंचाने का काम करता है, यानी कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वो अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं, वो आपका सेलफोन हो सकता है, वायरलेस आपका नेटवर्क हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, कम्युनिकेशन के अलग अलग मीडियम्स ये सारे के सारे हो सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 197 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो आप देखेंगे करंट का ये पार्ट है और इसके साथ साथ
आईटी का तो है ही, आपकी आईसीटी का, और साथ में जो आपकी आईसीटी है उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, पीपल एंड इन्वायरमेंट का भी काफी खास इम्पोर्टेंट पार्ट ये माना जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि भारत ने किस क्षेत्र के, यानी हम एरिया की बात कर रहे हैं, भारत के पर्टिकुलर एरिया के बारे में, देशों के साथ शैक्षणिक यानी एकेडमिक्स कोलेबोरेशंस के साथ मिलकर किस कंट्रीज के साथ इन्होंने हाल फिलहाल में एक बेहतर सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज मिलकर भारत के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भारत खुद भी फॉरेन कंट्रीज में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कि भारत की जितनी भी आवाम है या यूथ है वहां पर जाकर इंडियन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को ग्रैप्स कर पाए, उसका फायदा उठा पाए। अनु, वेरी गुड मॉर्निंग। यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है, अरब है या एशिया है, तो फोर ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। फैसिलिटीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि हम अरब की बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये काफी हद तक सही होगा यहाँ पर। तो अरेबियन कंट्रीज जो है हमारी, उनके साथ मिलकर हम इन एकेडमिक्स कोलेबोरेशंस को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें डिसाइड कर रहे हैं कि जो थर्ड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हमारी अरब इंडिया के साथ हुई है, इसका एक पॉजिटिव आउटपुट निकल कर सामने आया, और इस पॉजिटिव आउटपुट में जो चीजें हुई हैं अभी हाल फिलहाल में एक वर्चुअल फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ी हैं, और इस कोलेब्रेशन में हमने कॉन्टेक्ट किया है इंडिया के साथ और मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ, ताकि हम इनोवेशन को, रिसर्च को, आईसीटीज को, इसके साथ एकेडमिक्स में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे पाएं और इनके साथ कुछ बेहतर मिलकर काम कर पाएं और बेहतर इनोवेशंस को आगे बढ़ावा दे पाएं। ठीक है, हाँ जी, 197 का सी था और ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, लेट्स मूव अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 198। तो 198 सवाल जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जिसको आप देख पाएंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यूज्ड टू नो द केस स्टेटस एंड केस डिटेल्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स और जिला न्यायालयों के मामले की स्थिति और मामले का विवरण जानने के लिए उपयोग किए जाने वाले आवेदन का नाम आपको बताना है। आपको पता है कि कल हमने सारथी पोर्टल के बारे में डिस्कस किया था, तो सारथी पोर्टल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंसेस को बनवाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही, ज्योति वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वैसे ही उच्च न्यायालयों में जितनी भी काम किए जाते हैं उन एप्लीकेशंस को अब ऑनलाइन जो है हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अगर हम उन दोनों को मिला देते हैं तो उन दोनों पोर्टल्स को हैंडल करने के लिए भारत ने किस तरह के पोर्टल का निर्माण किया है। ई जस्टिस है, ई कोर्ट सर्विस है, ई न्याय है या ई नेत्रा है। ई नेत्रा इसमें से नहीं है, आप इलिमिनेट कर सकते हैं, मैं हिंट कर रही हूँ आपको, क्योंकि ई नेत्रा आपका जुड़ा हुआ है नेविगेशन वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसका काम इससे लेना देना नहीं है, ये मैंने हिंट कर दिया। आप ए बी और सी में से अपना राइट आंसर बता सकते हैं, और ई न्याय है, ई कोर्ट सेवाएं हैं, या ई नेत्रा है, या ई जो हमारे काम होते हैं उनको फॉलो करने की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि ई कोर्ट सर्विसेज जो है ऑप्शन नंबर बी था हमारा यहाँ पे, वो बिल्कुल सही होगा। ई कोर्ट में हमने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, साथ में जो हमारे स्टेट लेवल के कोर्ट्स थे, उन सबको मिला दिया है, और इन दोनों के कामों को चेक करने के लिए ई कोर्ट सर्विसेज को हमने लॉन्च किया है, ताकि हम बेहतर तरीके से पब्लिक जो हमारी सर्विसेज हैं उनका फायदा उठा पाएं और गवर्नमेंट के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी बना पाएं और ट्रांसपेरेंट जॉब्स को जो है बढ़ावा दे पाएं। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 199 की, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, ठीक है, गुड अटेम्प्ट सुगंधा, एंड यहाँ पे अनु है। ओके, क्वेश्चन नंबर 199, और ये सवाल है किसान सूर्योदय योजना से। क्वेश्चन ये आपका पीपल इन्वायरमेंट से है, आईसीटी का तो है ही, और यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी एक क्वेश्चन बनता है करंट से, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यानी कि हम एक बार में कोशिश कर रहे हैं 2 से 3 यूनिट्स को कवर करने का। तो किसान सूर्योदय योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? किसानों की बात हो रही है तो मैं आपको हिंट कर रही हूं कि कम से कम किसानों की, अनाजों की प्रोडक्टिविटी जहां पर सबसे ज्यादा है, आप उसके साथ काफी आसानी से जा सकते हैं।
तो उत्तर प्रदेश है, यूपी की बात हो रही है, हरियाणा, बिहार और गुजरात की हम बात कर रहे हैं। वहीं हरियाणा की अगर मैं बात करती हूँ तो एसडीजी के सारे गोल्स को जो 2030 तक हमें पूरे करने हैं उसको अडॉप्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट बन गया है भारत का। वहीं बिहार लिटरेसी रेट में सबसे लोअर लेवल पर काम कर रहा है, यानी कि बहुत खराब स्थिति में है। और गुजरात में अभी हाल फिलहाल में सन जो आपके सोलर पावर प्लांट्स हैं वो हाल फिलहाल में लगाए गए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सोलर पावर प्लांट्स को कुसुम योजना के द्वारा किसानों के साथ लागू किया गया है। तो दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखने हैं। निष्ठा, वेरी गुड मॉर्निंग। 199 का डी आ रहा है काफी लोगों का, तो आप देख पाएंगे जो इसका राइट आंसर है, जाहिर सी बात है हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी था आपका वो बिल्कुल सही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है किसान सूर्य उदय योजना, और सूर्य उदय से एक चीज आपको और नहीं भूलनी है, सूर्य पुत्र की भी हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य पुत्र इज टोटली डेडिकेटेड टू ISA विच इज नॉन एज इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और गुजरात में हुआ है 5 AM to 9 PM तक पावर को पूरी तरीके से यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्री सप्लाई देने की बात की गई है, तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इरिगेशन के मामले में। और ये स्टेट चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के अंडर इसको अभी हाल फिलहाल में लागू किया गया है, चीफ मिनिस्टर हमारे गुजरात के हैं और यहाँ पर आनंदीबाई पटेल के बाद से बने हैं। और 3500 करोड़ रुपए के आसपास इंस्टॉल किया गया है पावर जो 2023 तक स्कीम में लागू करने की बात की गई है। 3500 करोड़ रुपए लगाकर मैक्सिमम जो किसानों के लिए बेहतर एक फैसिलिटीज देने की बात गवर्नमेंट ने यहाँ पर की है। हाँ जी, निष्ठा, सही कहा आपने, गुजरात इज द राइट आंसर। हाँ, 17.25 लाख किसानों को लक्षित किया करती है, बिल्कुल सही कहा आपने पेल्डा सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। एंड लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 200। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया है, यानी बायोडायवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। हमने उस दिन G20 के बारे में डिस्कशन किया था, ब्रिक्स के बारे में बात किया था, और एशियन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार, और G7 के बारे में डिटेल में डिस्कशंस भी हमारी हो चुकी हैं। तो आपको बताना है कि विच मल्टीलेटरल एसोसिएशन रिसेंटली हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडायवर्सिटी, यानी आपको बताना है कि बहुपक्षीय संघ है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रहे कि हम यहाँ पर एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम उन स्टेट्स की, उन डिस्ट्रिक्ट्स की के अलावा कंट्रीज में जितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, खासकर बायोडायवर्सिटी को लेकर। और आपको पता है कि बायोडायवर्सिटी काफी मैटर ऑफ कंसर्न चल रहा है आजकल पूरे के पूरे विश्व के लिए, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। देख लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिकल क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एजेंडा है 2030 तक फुलफिल करने का, और यहाँ पर क्लाइमेट समिट जो 2021 में हमारा हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, तो ये भी काफी हद तक जरूरी आपका बन जाएगा, बिल्कुल जो आपका। हाँ जी, सही कहा आपने, यहाँ पर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, इसमें से ब्रिक्स जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आपका ब्राजील है, रशिया, इंडिया, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चाइना और साउथ अफ्रीका की भी। G20 समिट भी आपका हो सकता है, पर अगर हम पर्टिकुलरली क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 201 ऑन द स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201 है आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और सवाल ये कह रहा है कि सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट की परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जहां पर हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने डिजिटल लैग के बारे में आपसे बात किया था, तो इसका मतलब था कि हम कोशिश कर रहे थे कि जो ये बाउंड्री वॉल है, जो यूथ है और वो सारे लोग जिनको कि डिजिटल एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं जहाँ पर हमारा काम है फ्री इंटरनेट सेवाएं देना,
फैमिलीज को और साथ में पब्लिक ऑफिसेज को, दोनों को देना है, ठीक है? तो ये बताना है कि विच वन इज द राइट आंसर। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरल है। तमिलनाडु की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हाइड्रो एनर्जी के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसको लगाने वाला सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला स्टेट है ये आपका, सबसे बड़ा वर्ल्ड का यहाँ पर लगाया गया हाइड्रो पावर प्लांट। वही केरला लिटरेसी रेट में सबसे आगे है आपका, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो। कर्नाटका GER जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट में सबसे आगे है, और आंध्र प्रदेश को भी आप एक बार देख पाएंगे। ओके, लेट्स सी द राइट आंसर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, 200 का, हाँ सुगंधा, 200 का ए था। ज्योति सिंह कह रही है ए होगा। मैंने पहले भी बताया कि केरला की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री इंटरनेट जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। केरला आपका जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन वाला पार्ट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम लिटरेसी रेट जो है मेल की प्लस फीमेल की सबसे ज्यादा हाई है। और आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि केरला में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको फीमेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी एजुकेशन हब एरियाज में। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ठीक है निष्ठा। केरला एम्स टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग फ्री हाई स्पीड इंटरनेट टू स्कूल्स एंड पब्लिक ऑफिसर्स एंड पुअर हाउस होल्ड इन द स्टेट बाय डिसम्बर दिस ईयर। ठीक है, वेल डन। केरला इज द फर्स्ट अमंग ऑल स्टेट्स टू लॉन्च सच प्रोजेक्ट्स विच इज सिमिलर टू द सेंट्रल भारत नेट प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, एयरटेल के साथ मिलकर बनाया है इन्होंने। द केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ KFON हैज अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट टू कंसोर्टियम लेड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है निष्ठा, थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। निष्ठा ने ऑलरेडी काफी कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी है, मुझे लगता है कि काफी है आपको इतना जानना, बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 202 ऑन द स्क्रीन, और आपको ये मैच करना है ई इनिशिएटिव्स यानी इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव्स कौन से हैं, और इनके डिस्क्रिप्शंस आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो विद्वान, डिजी लॉकर है, सशक्त और शोध गंगा। अगर आप शोध गंगा को मैच कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बाकियों का जवाब दे पाएंगे। सशक्त के बारे में मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, कैपेबिलिटी की बात करते हैं। डिजी लॉकर यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को स्टोर करने की बात करते हैं। वही विद्वान जो है काफी हद तक यहाँ पर आपके अपने हायर रिसर्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये आप ध्यान में रख पाएंगे। डी को अगर हम मैच करते हैं यहाँ पर थीसिस के साथ, तो डी का आपका 1 हो जाएगा, तो यहीं से मैच कर लेते हैं। ये आपका 2 का ए हो जाएगा, बिकॉज कोई भी डी के साथ 1 नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका काफी हद तक राइट आंसर में कंसिडर हो सकता है, और ये आप देख भी पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। 2 बिल्कुल सही जवाब है। विद्वान यहाँ पर कैसे काम करता है, ये मीट करता है आपकी नीड्स के साथ, रिसर्चर स्कॉलर्स आपकी फैकल्टी जो है, कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपके ई लर्निंग पोर्टल स्पेसिफिकली काम करते हैं इनके साथ, स्टूडेंट्स के एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकर्स, सबके साथ उसके साथ मिलकर काम करते हैं। डिजी लॉकर काम करता है आपके सारे के सारे ई सर्टिफिकेट्स को स्टोर करने का, यानी कि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। नैड के अंडर ही आया था, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ ही आया था, और पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट, सब के सब आपको यहाँ पर होंगे, मिलेंगे। आप सिर्फ आधार नंबर डालकर और अपना सिर्फ एनरोलमेंट नंबर डालकर चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे। और अभी देख भी पाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है डेवलप करता है, डिजाइन करता है सशक्त को, जिसका काम है सिंगल स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, जहां पर नीड्स स्टूडेंट्स की और स्कॉलर्स की, साथ में टीचर्स की लाइफ टाइम यहाँ पर सॉल्व की जाती है। और शोधगंगा का मैंने बताया आपको कि PhD थीसिस के लिए यहाँ पर काम करता है, सबमिट करता है यहाँ पर, जो रिसर्चर्स जर्नल्स अपने सबमिट करते हैं, ये काफी हेल्पफुल होते हैं कि फर्दर अगर आप कभी रिसर्च में जाते हैं तो शोधगंगा का जो पोर्टल है वहां से आप मैक्सिमम चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बारे में जान भी पाएंगे, ठीक है? और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 203 के साथ ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर अजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजर्शन जो है ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो वेब है यानी WWW, ये सवाल आपसे पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म इस बार शिफ्ट में,
ठीक है, कलेक्शन है ये इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि आपस में जुड़े हुए कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक जगह से शुरू होकर आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। ठीक है, रीजन ये कह रहा है कि इंटरनेट एक ऐसा कलेक्शन है जो इंटरकनेक्टेड है कंप्यूटर्स के साथ, उसके नेटवर्क के साथ, और लिंक करता है ये ट्रांसमिशंस को, उनके मीडियम को, जो उनकी कॉपर वायर्स होती हैं, फाइबर्स और वायरलेस कनेक्शंस, ये सारे के सारे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रीजन में अगर आप WW को देखेंगे तो कैसे आपस में, क्या रीजन अजर्शन से मैच कर रहा है, दोनों काफी हद तक वेरीफाइड नहीं है, तो आप देख पाएंगे कि दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं, बिकॉज WW का काम होता है आपको एक पेज से शिफ्ट करना और उस पेज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देना, फिर उस पेज से आप मैक्सिमम पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और एक बार में मैक्सिमम पेजेस को खोलकर आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं एक चीज में। और ये दूसरा जो है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये तभी चलेगा जब आपके पास फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है, इंटरनेट है या वाईफाई है, तभी ये काम कर पाएगा। ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर नेटवर्क होना जो कि आपके इस सिस्टम को एक अच्छा सपोर्ट दे पाए। और आगे बात करेंगे, 204 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ निष्ठा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नहीं अनु, ए नहीं होगा, बी सही है। ठीक है, तो लिस्ट वन एंड टू के साथ आप जा सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट वन एंड टू को आप देखेंगे। WW किससे जुड़ा है, जावा, रैम और रोम। अगर जावा को मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि एक ये आपके टोटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा का आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर। WW का अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से एक वर्ल्ड वाइड वेब है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो अगर हम बी को देख भी लेते हैं 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है टोटली इज द राइट आंसर। 203 का बी है। ठीक है निष्ठा, 203 का बी था और 203 का 4 का आपका सी आएगा। रैम और रोम को समझ लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस बार शिफ्ट में, तो ये भी क्वेश्चन काफी हद तक आपके लिए जरूरी है। एक बार सवाल को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो ये ऑप्शन जो 3 था वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम है या फिर रोम है ये आपको देखना। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। रैम और रोम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं आप इसको। और ये दोनों सवाल आपसे पूछे गए थे, और इस बार सवाल आपसे एस रैम से पूछा गया था, और यहाँ पे डी रैम से भी इस बार सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए भी थे। तो रैम का काम क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है, ये परमानेंट है, MBs में है, ये GBs में होता है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉर्मल ऑपरेशन एंड स्टार्टअप प्रोसेस में काम करता है, फास्टर है बट ये स्लोअर है डेटा के मामले में। मैक्सिमम ज्यादा स्टोरेज करेगा तो डेटा तो स्लो होगा ही होगा, तो रोम के साथ आप जा सकते हैं जो काफी हद तक आपका इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। विद्वान डेटाबेस डेवलप्ड मेंटेन्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इन्फ्लिपनेट विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, NMEICT। ठीक है सुगंधा, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाँ जी ठीक है अनु, सी इज द राइट आंसर। सुगंधा बिल्कुल सही था आपका, सी इज द राइट आंसर, थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी देख पाएंगे, हाइपरलिंक से जोड़ना है, एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, रिसोर्सेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो यूनिफॉर्म करते हैं रिसोर्स लोकेटर्स को, आइडेंटिफाई भी करने का काम करते हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 205 स्निफिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि स्निफिंग टूल क्या होता है। तो ये आपको बताना है, इसमें से अजर्शन है, रीजन के दो सवाल हैं। आपसे पूछा गया कि स्निफिंग जो है यहाँ पर यूज्ड होता है, स्टील करता है डेटा को और इन्फॉर्मेशन करता है, ओवर करता है नेटवर्क्स को, यानी कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता है। स्निफिंग का काम यहाँ पर मॉनिटर करना है प्रोसेसेस को, कैप्चरिंग करना है डेटा पैकेट्स को, और पास करना है थ्रू जो भी आपको नेटवर्क्स दिए गए हैं। तो दोनों में से सही वाला कौन सा है, स्निफिंग की यहाँ पर बात की गई है। हिंदी में भी एलिब्रेशन है इसका तो पढ़ पाएंगे, बट इंग्लिश वर्जन ज्यादा स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट माना जाता है एज यूजुअल, तो स्निफिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, 204 का सी था। हाँ नो, सही कहा आपने, इट वॉज द राइट आंसर। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 205।
अभी देख पाएंगे इसमें से दोनों सही थे, ए भी सही था और आपका बी भी सही था, और दोनों को दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे। तो स्निफिंग का मतलब होता है वो मॉनिटर करता है कि जो कुछ भी आपके सिस्टम में है उसको मॉनिटर करता है और उसको पास भी करता है। स्निफिंग एक तरह का टूल होता है जो टैप करता है फोन वायर्स को, और ये काफी बेहतर कन्वेंशन भी होता है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स को इजिली जो है अप्लाई भी किया जाता है। 205 का ही बिल्कुल। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 206 है आपके स्क्रीन के ऊपर, और आईसीटी, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और आपसे विद्वान इस बार स्वयं से जो है बैक टू बैक 2-3 शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। समर्थ के बारे में अभी भी बात की थी हमने, काम था इनका रिसर्च में और इनोवेशन में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और बेहतर जो है प्रोविजंस देना उनको। IRINS है कि नहीं है ये आपको देखना है। विद्वान के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है, तो क्वेश्चंस को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। दो शब्द हमेशा यूज होते हैं, एक गवर्नेंस होता है, गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नेंस का काम होता है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका चेक करना, ठीक है, प्रशासन जिसको हम बोलते हैं। और गवर्नमेंट क्या है, वही आपका सरकार है। स्निफिंग इज अ फॉर्म ऑफ टैपिंग फोन वायर्स एंड गेट टू नो अबाउट द कन्वर्जन। ट्रैकर्स यूज स्निफिंग टू कैप्चर डेटा पैकेट्स कंटेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स अकाउंट एटसेट्रा। बिल्कुल सही कहा निष्ठा, बेसिकली आपका जो हैकिंग वाला पार्ट होता है उससे जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख पाएंगे, स्मार्ट की हम बात कर रहे थे, विद्वान की बात कर रहे थे और स्वयं की बात करें तो मैक्सिमम का जो राइट आंसर है आप देख पाएंगे यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, दिस इज द राइट आंसर। और हम समर्थ की यहाँ पर बात करें तो समर्थ बेसिकली काम करता है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आपके इनोवेशन में रिसर्च में काम करते हैं उनके साथ जुड़कर ये काम करता है पूरे तरीके से, और जुड़ने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं असाइन किए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि यू आर क्वाइट कैपेबल टू एक्सेप्ट ऑल दिस प्रोजेक्ट्स और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए जाते हैं, और उसके बाद में बकायदा आपको सर्टिफिकेशंस भी दी जाती हैं। तो प्रोजेक्ट समर्थ जो है काफी हद तक सही जवाब है इसका। और COVID-19 में अगर हम विद्वान की बात करते हैं, इससे क्यों कनेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काम के दौरान टेक्निकल और रिसर्च में इनको जोड़कर देखा गया था। MHRD का ये इनिशिएटिव था जब अब आपकी हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। एंड ऑनलाइन कोर्सेज को भी ऑफर करता है स्वयं, आपको पता है यंग एस्पायरिंग माइंड्स की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे इग्नू का भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर लोगो है, NCERT का है, इग्नू का है, NCTE का भी है, UGC का तो है ही। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि स्वयं से हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने का। वो आपकी UGC हो सकती है, ITs हो सकती है, NITs हो सकती है, NCERTs हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू दे पाएं। और आपको ये भी बता दूं कि NEP जो 2020 वाली इस बार आपकी लागू हुई है, उसको लागू करने के बाद से इसमें ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ताकि इस बेनिफिट्स में हम ट्रेनिंग पर्पज से इस सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करें। और वेटेज पहले 20% थी जो बढ़ाकर स्वयं स्वयं में अब 40% कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किन कोर्सेज में की गई है, MHRD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अभी कोई इस तरह का अभी तक कोई डेटा नहीं आया है, ठीक है। विद्वान एरिस की हम बात कर रहे थे, ARINS, तो ये आपका इंडियन रिसर्च इन्फॉर्म नेटवर्क सिस्टम है, यानी कि जितनी रिसर्च की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो आपके NITs हैं, IIMs हैं, NITs, ITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ जुड़कर काम करना है, ठीक है। उनमें ये चेक करना है कि कितनी फैकल्टीज काम कर रही हैं, पब्लिकेशंस कितने आ चुके हैं जो आपके ई शोध गंगा पे और इस पे पब्लिश होते हैं, और कितने जो आपके पास कितने पेपर्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं जो कि फर्दर रिसर्च में आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं। हाँ, निष्ठा ने कहा है कि 14 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने डेवलप किया है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म स्मार्ट एंटरप्राइजेस रिसोर्स को लेकर, प्लानिंग को लेकर, ठीक है निष्ठा, वेल डन। और एम है इसका ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का, प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को हर यूनिवर्सिटीज में अंडर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
और वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन है आपका मैनेजमेंट आरआईएम सर्विस, एक डेवलप्ड करता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क को इंफ्लिबनेट सेंटर के अंडर में, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। बिल्कुल सही कहा निष्ठा, थैंक यू सो मच फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं जो काफी हद तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर सेक्शन। आई होप कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, और आपको कैसी लगी आप फीडबैक देकर हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उस पे ये वीडियोस अवेलेबल है सोनिया सिंह यूजीसी नेट _अकेडमी के नाम से, तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 10% का डिस्काउंट एप्लीकेबल है, तो इस कोड के साथ अपने कोर्सेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। द पोर्टल फैसिलिटेट्स एकेडमिक एंड फैकल्टी मेंबर साइंटिस्ट टू कलेक्ट शोकेस एक्टिविटीज प्रोवाइड ओके स्कॉलर नेटवर्क्स। ठीक है निष्ठा, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि 12 बजे फिर से मिलेंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम गुप्ता एम्पायर, और गुप्ता एम्पायर के बारे में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। और 8 बजे रात को कराऊंगी आपको SDG और MDG, जो काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में सवाल यहाँ से इस बार आपको देखने को मिले हैं। थैंक यू निष्ठा, ओके ठीक है। अनु, सुगंधा, थैंक यू सो मच। ज्योति फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन एंड फॉर योर सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 12, उसके बाद 8 बजे, और फिर मिलूंगी उसके बाद आपसे रात को 8 बजे, और SDG MDG डिस्कस करेंगे, और कल से फिर से करंट अफेयर्स के सेक्शन चलेंगे, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल।